और इतना जबरदस्त तकलीफ हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इस टाइम। बावजूद भी किचन में जाके खाना बनाने लग गई और बीच खाना बनाते बनाते हालत और ज्यादा डाउन हो गई। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, फिट एंड फाइन है। तो नया दिन नया व्लॉग, चलिए शुरू करते हैं। सारिद भाई कहाँ है? कहाँ है सारिद भाई? कहाँ गए? मैं सूट होगा एक तो ऊपर के फ्लोर पर आए हैं। ऊपर के फ्लोर में ना बड़ी दिक्कत हो गई है, ये ताले अटक गए हैं, पता नहीं गुस्सा आता है, खुलते नहीं है। क्लास से इसकी गर्दन दबानी पड़ेगी। यहाँ की एक लाइट जल रही है, दूसरी लाइट खराब हो गई। तो गाइस हम आए थे यहाँ ऊपर के फ्लोर की सफाई कराने को। ऊपर की फ्लोर की सफाई वगैरह हो गई है। हफ्ते में 2-3 बार ऊपर की फ्लोर की सफाई वगैरह करानी पड़ती है क्योंकि फिर गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी आ जाती है। हम रहते नहीं है तो अंदर से बंद रहता है तो इतना गंदा नहीं होता, बाहर का ज्यादा गंदा हो जाता है। फिर 1-2 दिन में मशीन लगाऊंगी, कपड़े फैलाऊंगी तो गंदा होगा तो कपड़ों पर भी धूल मिट्टी आएगी, इसलिए मैं आ जाती हूँ करवा लेती हूँ। कभी खुद कर लेती हूँ, कभी करवा लेती हूँ। और गाइस बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, अभी पसीना रोके से नहीं रुक रहा। पंखे दोनों बंद कर रखे मैंने ताकि आवाज़ एकदम क्लियर आए आप लोगों को। होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और गाइस 2-3 दिन से ना मेरे बैक में इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। बैक में इतना पेन हो रहा है, उठते बैठते लेटते खड़े होते हर चीज़ करते हुए मेरे बैक में पेन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कभी कभी ना ये बैक का इशू बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, ख़ास करके सिजेरियन वाली मदर्स को तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई भी इसका सॉल्यूशन पता हो ना, होम रेमेडी हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे कि ठीक हो सके, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। घर हो गया साफ चकाचक, यहाँ से भी साफ़ हो गया है, यहाँ से भी साफ़ हो गया है। बालकनी तो साफ थी, मैंने 1-2 दिन पहले कर दी थी और आज भी आंटी ने धो दी है अच्छे से, साफ हो गया है। और वो रहा हमारा प्यारा पार्क और हमारा प्यारा तिरंगा। Many hours later. Hi guys, welcome back again. तो जी लास्ट शॉट जो आपने देखा था कि जूफी ऊपर वाले फ्लोर पे गई थी सफाई करवाने और उसके बाद सीधा अब मैंने फोन उठाया है और मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन बीच का टाइम जो है बड़ा ही टफ निकला, बड़ा ही अजीबोगरीब निकला क्योंकि इनके ये 2-3 दिन से मुझे बता रही थी कि मेरी कमर में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से तकलीफ हो रही थी लेकिन वो वक्ती तौर पे हो रही थी और वो फिर ठीक हो जा रही थी, तो हमने भी ज़्यादा इतना कुछ सीरियसली उसको लिया नहीं। और अभी जब ये लास्ट अभी ऊपर गई थी और फिर आई, चाय वाय बनाई, शाम के वक्त हमने चाय वाय पी, उसके बाद जो इनकी कमर में दर्द उठा है ना, मतलब कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ना, रोना छूट गया इनका और इतना ज़बरदस्त तकलीफ हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इस टाइम कहाँ लेके जाऊं मैं, कहाँ चलो हॉस्पिटल चलो, लेकिन हॉस्पिटल जाने को भी राज़ी होती नहीं है ये। बड़ी ही मुश्किल से स्प्रे लगाया, दवाई दी, ब्रूफिन वगैरह पेन किलर जो रखी हुई थी देख दिखा के वो दी, थोड़ा बहुत लगा, फिर कहने लगी चलो मैं अब खाना बना लेती हूँ। मैंने कहा भाई रहने दो, खाना वाना मत बनाओ, बाहर से आ जाएगा या जो भी है देख लेंगे, नहीं खाना बना लेते हैं बच्चे हैं खाएंगे। वही मानने के बावजूद भी किचन में जाके खाना बनाने लग गई और बीच खाना बनाते बनाते हालत और ज़्यादा डाउन हो गई। तो खाना वाना जैसा तैसा आधा वाधा बन गया अधूरा, मैंने कहा भाई बैठो जाके, तुम मना कर रहा हूँ उसके बावजूद भी तुम्हें मानना है नहीं। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई और ये तकलीफ़ इनकी सिजेरियन जब से मायशा का सेकेंड मायशा मतलब मायशा के होने के बाद से ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो गई है। ज़रा सा भी मौसम इतना इधर से उधर होता है ना तो ये इतनी ज़्यादा इनको परेशानी हो जाती है। और अभी ये ठीक चल रहा था मसला बीच में, लेकिन 2-3 दिन से हो रहा था जा रहा था हो रहा था जा रहा था, लेकिन आज सच में अभी ये शाम के वक्त इतना ज़बरदस्त तकलीफ़ हुई है, इतनी ज़बरदस्त तकलीफ़ हुई है मैं बता नहीं सकता आपको।
सच में बताया, मेरे से भी नहीं देखा जा रहा था। मैंने कहा यार तो क्या करूं मैं, एक तो अकेले कोई है नहीं, समझ नहीं आता किसको बुलाओ किसको करो। एक समस्या ही है कि भैया होता है ना कि पूछ लो ये कर लो अम्मी को फोन करते हैं, अम्मी अलग परेशान हो जाती, उनको भी नहीं बताया। खैर फिर दवाई वगैरह दे के थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ लगा, तो थोड़ा बहुत खाना वाना खाया तभी आँख लगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको हल्दी वाला दूध दे देता हूँ, थोड़ा सा उससे भी फायदा होगा। और कमर की सिकाई करी थी तो वो बॉटल वगैरह का पानी थोड़ा ठंडा हो गया, तो उसको भी दोबारा से चेंज कर देता हूँ। रिकॉर्ड करके आपको एक बार बता दिया जाएगा। खैर अभी मैं जल्दी से पहले वो काम कर लेता हूँ, फिर अगर बीच में उठती है ना तो बताता हूँ फिर आपको क्या है कैसा है। गाइस चूल्हा भी ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है, अभी साफ तक करने का मौका नहीं मिला इनको। क्या जब बोले ना सुनना, सुननी तो होती नहीं है, मना करने के बावजूद भी नहीं हो जाएगा, कर लूंगी। हो गया, बढ़ गया दर्द। हमने इसमें चीनी डाल दी है और वो डालना है इसमें हल्दी। हल्दी ये रही, हद से इतनी बहुत है। जाओ सो रही हो क्या? दूध दूध पी लो, गरम 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 पी लो, जितना पिया जाए कोई बात नहीं, थोड़ा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। गरम हो रहा है अभी, लो ये बॉटल भी लगा लो। हल्का फुल्का आराम है, काफी आराम हो गया। गोली खाई थी ना, उससे बहुत आराम मिला है। एक गोली और खा लूंगी, सुबह अब मत खाओ, खाली दूध पी। ब्रूफेन से आराम मिला। The next day. हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस नेक्स्ट डे हो गया है और इस वक्त माहिरा के आने का वक्त हो गया है। माहिरा को लेने के लिए जा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि आज से माहिरा के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं। और पहले माहिरा को ले आते हैं फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमारा माइचू बैठा हुआ है। जी क्या हाल चाल है? कमर के चलो चल रहे हैं फिर, चेकअप करवा लेंगे थोड़ा। चेकअप मैं नहीं जा रही कहीं, मुझे पता है कौन सा दर्द है, ठीक हो जाता है। तो ऐड क्यों रही हो? नहीं चेकअप है, कब करा रही। आराम हो गया अब, सही है, फायदा नहीं है बेकार के। कौन से चेकअप, सुइयां घुसेड़ देंगे वो। हाय गाइस वेलकम बैक। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और दोपहर 4 बजे के बाद से फिर से बैक पेन स्टार्ट हो गया था। थोड़ी देर लेट गई थी, लेट के नींद आ गई थी, नींद फिर उठी, उठने के बाद फिर से वही बैक में इशू शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने बेल्ट वेल्ट लगाई है, दवाई भी ली है, तो दवाई लेकर थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि मैं रोटी पका रही हूँ और खड़ी हो पा रही हूँ। वरना बैक का मेरा प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा। ठीक हो गया था लेकिन अब शाम होते होते फिर से वही हो गया है। अब ये कह रहे हैं अस्पताल जाने को, लेकिन अस्पताल अस्पताल जाने से मेरा तो दिल बहुत घबराता है। मुझे लगता है अस्पताल जाके इंसान की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, तो मैं चाह रही हूँ कि अस्पताल अस्पताल ना जाना पड़े और पहले ही ठीक हो जाए। अभी फिलहाल मैंने दवाई ली है और खाने में मटर पनीर बना है, यहाँ पर मैं रोटी पका रही हूँ। और बस गाइज अभी इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। बस दुआ कीजिएगा कि तबीयत ये बैक का इशू ठीक हो जाए, और कोई होम रेमेडी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।